अतीक अहमद और अशरफ को रिमांड में लेकर के जहां पुलिस पूछताछ कर रही है, वहीं उनके बेटे असद को एनकाउंटर में मार गिरा है यूपीएसटीएफ ने, उसके साथ में गुलाम भी उसका एनकाउंटर हुआ है। लेकिन इस वक्त हम चकिया इलाके में हैं और इस इलाके में अतीक अहमद का घर है, असद का घर हुआ करता था जिसको गिराया गया। लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर मातम छाया हुआ है। चकिया के स्थानीय लोग हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे, बात करेंगे आखिर वो क्या कुछ मानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद है। इरशाद, आपको क्या लगता है जिस तरह की कार्रवाई हुई है, कल एनकाउंटर हुआ असद का, गुलाम को भी मारा गया है, आपको लग रहा है कार्रवाई ठीक है जिस तरीके की कार्रवाई कल की गई, आपको क्या लगता है? गलत है। बिल्कुल गलत है। पहली चीज तो वो रोजे की हालत में थे और दूसरी चीज न्यायालय कानून हमारा किस लिए बना है, संविधान किस लिए बना, हमारा संविधान किस लिए बना है? आपको लगता है कि कानून को हाथ में लिया गया, कानून को हाथ में लेकर के? बिल्कुल कानून को हाथ में लिया गया है भाई। उसकी सजा न्यायालय दे, न्यायालय फांसी दे देती, वो मंजूर था, वो खुशी थी, वो सब, उसमें इतने लोग दुखी ना होते। न्यायालय फांसी दे देती, किसी को दुख ना होता। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद अनीस। आपको क्या लगता है जिस तरीके से एसटीएफ ने कल कार्रवाई की है, कहा जा रहा था कि उसका मकसद था कि जब अतीक आ रहे होंगे तो उनको उस पर हमला किया जाए, उसको छुड़ाने की कवायद थी, क्या इन सब चीजों पर आप एतबार कर रहे हैं? जी नहीं, हमको ये सब एतबार नहीं है, हमको एतबार नहीं है। जी रोजा था वो, उसको जो रोजी की हालत में ले जाके पकड़ के आपको फर्जी मुठभेड़ दिखाया गया, समझे? उसको जो न्यायालय का सजा लाते, पकड़ के लाते, सजा केस चलता या कुछ भी चलता, फांसी होती, जो कुछ होता, फर्जी हुआ एनकाउंटर? आप बिल्कुल फर्जी हुआ है। नाम है आपका? हमारा नाम मुजम्मिल है। बिल्कुल, अगर आपको खुल के बताइए क्या सिर्फ मसला ये है कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू मुसलमान चल रहा है, सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद दो लोग इस समय गुंडा है यूपी में, और कोई गुंडा नहीं है। दो लोग कोई प्रोजेक्ट है आपके बनारस के, कौन है वो, क्या नाम है उनका, बिरजय सिंह हो गए, बहुत से हो गए, सोनू सिंह हो गए, ये जितने भी सिंह हैं इनको लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई वहीं के हैं वो, बाकी जो है मुसलमान उनको लिए छोड़ा नहीं जाएगा। लग रहा है कि जानबूझ के एक तरफा का, एक तरफा बिल्कुल हो रहा है भाई। अच्छा एक बात बताइए, आप सिर्फ दो लोग को देख रहे हैं, उतारा सर यती के मतलब, और बाकी है कोई? और कोई नहीं है, बाकी और कोई नहीं है ना, कोई और दिखी तो नहीं इस वक्त, या तो जेल की सलाखों के पीछे है, शाइस्ता अभी भी फरार है, अतीक वहाँ उनके साथ पूछताछ हो रही है, अशरफ भी वहाँ है, आपको लग रहा है कि पूरे परिवार को लेकर के क्या ये जबरदस्ती सबको फंसाया जा रहा है? जो हो उसको आप फंसाइए, मगर ये नहीं कि आप पूरे परिवार को फंसा दीजिए। पूरे परिवार को आप नहीं फंसा सकते, जो जो अगर माल हो उसको आप फंसा सकते, ये मान बात मान लो। 100 से ज्यादा मुकदमे थे, एक में सजा हो गई, असद का सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई, वो हम बात मानते हैं। अगर देखा जाए अतीक के ऊपर है तो अतीक से ज्यादा भी बड़े बड़े गुंडा पड़े यूपी में, अतीक अहमद कुछ नहीं है, उनसे बड़े बड़े गुंडे पड़े हैं। अरे आपको बता रहे हैं जितने जितने गुंडे, मगर और गुंडे का कोई नाम ही तो नहीं ले रहा है ना, और कोई नहीं नाम ले रहा है, सिर्फ दो लोग अतीक मुख्तार गुंडा है, बाकी यूपी में और कोई गुंडा है ही नहीं है जैसे लग रहा है, बहुत से गुंडे हैं। लगता नहीं कि असद में इतनी क्षमता हो रही होगी कि वो पुलिस से मुठभेड़ करता, अपने आप को बचाता? नहीं है, सब फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है, सब फर्जी एनकाउंटर है, इसे दिखाया जाता है। आप कुछ भी, आपका क्या नाम है? हमको लग रहा है ये सब फर्जी काम कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, इसलिए कि प्रशासन का काम है कि उनको पकड़ के कोर्ट में पेश करना चाहिए। इतनी बड़ी प्रशासन, पूरा योगी जी के हाथ में सब कुछ है, वो करवा के पेश नहीं करा सकते? जी ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, उसी का मिला दिए, वो मिला रहे हैं, कर रहे हैं, यही काम ही कर रहे हैं, एक तरफा काम कर रहे हैं सर, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आपको ला के उनको पकड़ना चाहिए, इतनी बड़ी पुलिस हो के साथ ये तो पकड़, सरकार कह रही है अपराधी है तो पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेगा तो एनकाउंटर करेंगे, तकलीफ किस बात? तकलीफ ये है कि अगर एक तरफा नहीं करिए, अगर करना है तो अतीक मुख्तार जितने भी हैं, बिरजेश हो गए, आपके धनंजय सिंह हो गए, सोनू सिंह, मोनू सिंह, जितने भी माफिया हैं, कुल को मिलाइए मिट्टी में, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी खुश हैं, मिला दीजिए कोई दिक्कत नहीं, मगर आप पहले मिलाइए तो। मिलाते नहीं है, मगर सिर्फ दो लोग तो दिख रहे हैं ना, बाकी हम कहाँ है, बाकी तो सब लोग आप ही के आदमी है ना, सबसे बड़ी बात। आप आइए आगे, क्या नाम है आपका? मेरा अहमद नवाज है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ राजा भैया जिन्होंने वो एसपी सिटी था वो वहाँ का जाउल हक की हत्या करवा के अब वो बैठ के काजू को बादाम खा रहे, उनकी कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो रही, सरकार उनको मिट्टी में नहीं मिला रही, ऐसा क्यों? वो ठाकुर हैं,
इस वजह से ठाकुरवाद नहीं करेंगे, शासन का काम जो है करें, लेकिन वो एक कॉम को टारगेट कर रहे हैं, आपको लगा है। एक कॉम को टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। इसलिए 24 का चुनाव कैसे जीतेंगे अगर एक कॉम को टारगेट नहीं करेंगे। तफ्तीश में आया कि गोली चलाई, सीसीटीवी फुटेज में आया, एक कॉम को टारगेट नहीं करेंगे तो 24 का चुनाव कैसे जीतेंगे। अभी अगले साल में चुनाव है, अगर मुसलमानों को हत्या नहीं करेंगे, मुसलमानों का इनकाउंटर नहीं करेंगे तो हिंदू वोट कैसे इनको देगा, बताइए हमको। एक आध हिंदू को मार के देखिए तो अभी इनको इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। वहाँ काजू बादाम इनकाउंटर हुआ था, विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था तो कहा गया था ब्राह्मण को दी था ना, किसको विकास दुबे का इनकाउंटर, उसने तो 6 पुलिस वालों की हत्या की थी। और मैं भी होता योगी के दर पे तो उसको दिन दहाड़े मरवा देते, जवान को हमारे मारा है, पुलिस कांस्टेबल को मारा जो उमेश पाल हत्याकांड हुई उसमें 2 पुलिस कांस्टेबल वाले मारे गए, उमेश पाल पे गोली चलाई। हाँ तो मैं इनकाउंटर के खिलाफ थोड़ी हूँ, इनकाउंटर हुआ अगर उसने, अगर वो शामिल है तो है, पर वो रोजे की हालत में था तो प्रशासन को, न्यायालय को, सरकार को सोचना चाहिए था कि वो रोजे की हालत में है, किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। नहीं, कोर्ट में पकड़ के पेश करना चाहिए ना, कोर्ट में पेश कर देते हैं, आप डायरेक्ट गोली मार देते हैं, बस दिखा देते हैं इनकाउंटर, ये कहाँ की है। अगर वो रोजा खोल लेता, वो रोजा खोल लेता रात में उसका ले जाके अगर वो शामिल था तो उसका इनकाउंटर कर देते आप, कम से कम रोजगार का तो कुछ सोचना चाहिए। जान की गोली मारी जाती है, आपको लग रहा है जान की गोली मारी जाती है? हाँ बिल्कुल, जान की गोली मारी जाती है। अब गोली सामने से, मतलब सामने गोली मारी जाती है, मुठभेड़ में यहाँ लगेगी, मात्र यही गोली लगेगी, 2 गोली जितने में, साथ में वो एक साथ में जो बाइक रखी थी, तमाम मिठाई खाई। हम किस बात की मिठाई, जो इनकाउंटर हुआ है मुसलमान तो यहाँ पर बात करें, हम किस बात की कहेंगे। अरे तो मिठाई तो खाएंगे, आप तो मीडिया पे दिखाते हैं, आप तो दिखाते हैं, तो पूरे साथ वहाँ से तो सब तमाम मीडिया लेकर के उनको आया, साथ में इसीलिए आते हैं, साथ में इसलिए आया कि देखने के लिए कि कुछ होना जाए, कहा जा रहा था मिठाई तो बटी होगी आपकी, कह रहे हैं कि गाड़ी पलट जाएगी, इसीलिए साथ में तमाम लोग आए, कहा सारे मीडिया आए इसमें, साथ में लेकर बाइक थी क्या असद की, बस यही इतनी औकात थी कि एक टूटी फूटी बाइक से चलना, उसके पास 4 व्हीलर नहीं थी पहली चीज, और दूसरी चीज जूता नहीं, चीजें दिखाई गई हैं, सब चीजें दिखाई गई है। और एक हाँ बाइक से बताओ, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, जितने मारे जाते हैं सब बाइक ही से टहलते हैं, जितने अपराधी जितने को ले आके मारे हैं यहाँ वहाँ वहाँ सबको बाइक से। बिल्कुल, साफ तौर पर चकिया के स्थानीय लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप सुनेंगे क्या कुछ उनका कहना है। साफ तौर पर यहाँ के सबको यहाँ लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरी कार्रवाई की गई है वो एक तरफा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पर जो नजारा इस वक्त हम आपको दिखाएंगे, इंतजार हो रहा है कि कब बॉडी आएगी, लेकिन यहाँ पर जो है इस वक्त जो है केवल मातम मनता हुआ नजर आ रहा है, लोगों में नाराजगी भी है। और यही कारण है कि अतीक अहमद को लेकर के, उसके परिवार को लेकर के, अतीक के आसपास के जो लोग हैं वो सीधे तौर पर इस कार्रवाई पे सवाल कर रहे हैं और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पुलिस की जो टीम पहुंची थी, STF ने जिस तरीके की कार्रवाई की वो एक तरफा है, मुस्लिम होने के नाते इस तरीके की कार्रवाई की गई, ये सवाल, ये गुस्सा अतीक अहमद के इलाके के लोगों में है। चकिया में लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं इसी को लेकर के कार्रवाई की गई है। ऑन वन हैंड द पुलिस हैज टेकन द रिमांड ऑफ अतीक अहमद एंड हिज ब्रदर अशरफ, और ऑन द अदर हैंड असद बॉडी विल बी ब्रॉट हेयर इन प्रयागराज, बट राइट नाउ वी आर एट द चकिया रेसिडेंशियल एरिया वेयर अतीक अहमद यूज टू रेसाइड। यू कैन सी दिस स्पॉट वेयर अतीक रेसिडेंस यूज टू बी हेयर, बट नाउ इट्स नो मोर अ प्लेस बिकॉज इट हैज बीन डेमोलिश्ड by the UP government in the drive, but the people here are quite angry. They are seeing that the action taken by the government is one-sided, and that is what the people of Chakia here are saying. You can see the women, the relatives, the known of Atiq Ahmed who are here, and they have something to say about as far as this action is concerned. Aapka naam bataye? जी, हमारा नाम हुसना बेगम है। बताइए, जिस तरह की कार्रवाई हुई है, असद का इनकाउंटर किया है सरकार ने, आपको लग रहा है कार्रवाई ठीक हुई नहीं हुई, आपका क्या मानना? भाई देखिए, ठीक नहीं हुई, अगर गलत था तो पकड़ के शासन करे, सजा होना चाहिए, कचहरी में उनको जाना चाहिए, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों किया ऐसा, ऐसा क्यों किया गया, आपको क्या लगता है क्यों ऐसे तरीके का एक्शन लिया कि एकदम से इनकाउंटर हुआ? अरे गलत हुआ और का, गलत हुआ, मुसलमान है इसलिए ऐसा किया गया। नहीं, कोई भी हो गलत हुआ,
कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, सब क्या 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 चाहे हिंदू या मुसलमान, गलत तो गलत है, उसमें भाव नहीं है। बच्चे उनके भी है, मेरे भी है। सब ने जो किया आपको लगता है कि वो गुनाह था जिस तरीके से था, उसको सजा देते ना, उसको सजा दे देते। On one hand, the police has taken the remand of Atiq Ahmed and Ashraf, but on the other hand, Atiq's son Asad, who was encountered by the UPSTF, his body will be brought here in Prayagraj, and we are at the Chakia residential area. You can see just in front of us, it was the residence of Atiq Ahmed. Now it's completely demolished. But on the other hand, if I talk about the kind of sentiment which is there on the ground as far as Atiq Ahmed is concerned, is about the resentment that the people who are showing anger about the kind of encounter which was done, and at the same time, women who are here, the men and the people who all are here are saying that the action should not be taken in such a way. आपको क्या लगता है जिस तरीके का encounter किया असद का, ठीक था या गलत किया है और क्या हुआ है? अच्छे खासे सब रहते ने घर बिगाड़ के वीरान तो कर दी, और क्या बताए। क्यों ऐसा आपको लगता है, गलत कार्रवाई की गई? क्यों की गई इस तरह की कार्रवाई, और क्या करते? न मारते, जेल की सजा देते और क्या करते, जान से नहीं मारना चाहिए। हाँ गलत हुआ है। आपको लगता है जान के किया इस तरीके की बात, मतलब जानबूझ करके किया गया है, मौका नहीं देना चाहते थे, आपको क्या लग रहा है पुलिस की कार्रवाई से? अब यही है कि मौका उसको देना चाहिए था, थाने में उसको जज हो, वकील थे, सब थे, बहुत गलत हुआ है, बस इतना बहुत गलत हुआ। वो लड़का ऐसा नहीं था, बहुत कायदे का था, मगर अब उछालने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है उसके बारे में। लेकिन सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था, पुलिस कह रही उनके पास सबूत है, वो दिखाई दे रहा था कि उसने गोली चलाई। अब क्या बताएं, अब कुछ भी मरने के बाद कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ मरने वाले बंदूक लेके थोड़ी मरेगा, अगर मरेगा तड़पेगा तो बंदूक हाथ से चलिए कि बस पिस्टल लेके मरेगा वो जवान लड़का। You heard the voices of these women who are here, who are very angry and agitated with the fact that the kind of action was taken. Kya keh rahi hai? Karwai galat hua hai? Galat hui hai karwai. Kis tarike se, matlab kyun aapko aisa? Galat tha to unko court saza deti na, court saza deti, phansi de deti, bas. Apne haath mein liya gaya kanoon. Kisne? Apne haath mein sarkar ne kanoon leke maar diya. Ab kanoon ka, ab unke raaj hai, kuch bhi kat dalein, kuch bhi karein bhai. आपको लगता है असद का गुनाह था, उसने गलती की थी? भैया असलक गलत है या भाई गलत था, उसको पकड़ ले जाते कचहरी में, उसको फांसी का आर्डर वो करवाते हैं, सजा करवाते, उम्र कैद की सजा करवाते, ये कहा है कि डायरेक्ट मार दे, गलत है ही है। You heard the voices of the people and specifically the locals here. अच्छे लोग थे, अच्छे लोग, बिल्कुल अच्छे थे, गरीबों के इलाज करते थे, कहीं अगर गरीब मर रहा है तो वहाँ भेजते थे पैसा कौड़ी, खाना तक जाता था, ये आप समझ लीजिए। जब से ये गए हैं यहाँ से, नहीं ना शादी ब्याह, कितनी लड़कियों को शादी ब्याह की कराया है, और सब करवाते रहे। क्यों किया सरकार ने ऐसा, आपको लग रहा है क्या पीछे पड़ गई थी? पता नहीं कहे कर रहे हैं, आपको लग रहा है क्या पीछे पड़ गई है उनके? बिल्कुल पीछे पड़े है, पीछे पड़ के वजह से कुछ भी करवा सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसी कार्रवाई हो रही है? चुनाव के लिए, चुनाव 24 का चुनाव है, दो चार दस मुसलमानों को मारेंगे तभी तो हिंदू वोट देगा, मैं वही तो आपको वहाँ भी बताया। उचित समझे तौर पर सब कुछ हो रहा है? सोचे समझे नहीं, अगर अपराधी है तो उनका कानून के हिसाब से काम होना चाहिए, पर कुछ चुनाव की वजह से भी हत्या करेंगे वो, अगर 10-20 मुसलमानों को मारेंगे नहीं तो कैसे उनको वोट मिलेगा बताइए। Certainly you heard the voices of the people, they are very angry with the fact that kind of action which has been taken, they are saying that there has to be some investigation, a chance should have been given to Asad, the police has time, the police should have arrested him, presented him in the court instead of shot him down and doing this encounter, and that is something is the sentiment in Chakia area here in Prayagraj, where people are angry and they are questioning the action taken by the Yogi government and their intent, and blaming that the Muslims have been targeted purposely. असद के इनकाउंटर के बाद में जहां एक तरफ अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से पूछताछ हो रही है, पुलिस ने रिमांड में लिया है, लेकिन जो तस्वीर चकिया की है वो हम आपको दिखा देते हैं। असद का है वो घर जिसको पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया गया, लेकिन इस इलाके में इंतजार हो रहा है असद के शव का,
और उस शव के साथ में लोगों में गुस्सा भी है, सवाल भी है इस बात का कि आखिर पुलिस ने सीधे इनकाउंटर क्यों किया, मौका क्यों नहीं दिया, और तमाम तरीके की बातें यहां पर कही जा रही हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये पूरा जो एक समय में बादशाहत होती थी, एक तरीके से पूरी की पूरी सल्तनत थी अतीक अहमद की, वो ढेर हो चुकी है। पहले ही कार्रवाई की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, लेकिन आज जब असद के पार्थिव शरीर को, उसकी शव को यहाँ लाया जाना है, उसके पहले स्थानीय लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो चकिया के लोग हैं, उनके अंदर नाराजगी इस बात की है कि आखिर क्यों असद को टारगेट किया जा रहा है, अतीक अहमद को टारगेट किया जा रहा है, खास तौर पर एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, और इस बात का आरोप और इस बात की नाराजगी स्थानीय लोग लगा रहे हैं, जिसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार के इनकाउंटर को लेकर के भी चकिया इलाके के लोगों में सवाल है, जिसको लेकर के लगातार यहाँ के लोग नाराजगी जता रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं।